हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारियां नूं, नमस्ते, प्यार, आदाब। ते मेरा नाम रमन शर्मा, ते अज असीं अपनी जिहड़ी क्लास दा कंसैप्ट लैके आए हां, दैट इज कॉल्ड आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल टास्क 2। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे बच्चों को आईएलटीएस के राइटिंग टास्क 2 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो कंफ्यूज होते हैं कि इतनी सारी टाइप्स हैं कि उनको कैसे लिखें, कैसे याद करें और क्या क्या चीजें करें जिससे बैंड स्कोर इंक्रीज हो, क्या ना करें जिससे बैंड है वो डिक्रीज हो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूं, आईएलटीएस राइटिंग की जितनी भी टाइप्स हैं, चाहे वो अग्री डिसअग्री है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बोथ व्यू है, कोई भी है, यकीन मानिए सभी टाइप्स जस्ट एक अच्छे तरीके को सीख लीजिए, सभी की सभी टाइप्स आप बिल्कुल कर लोगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टाइप के लिए अलग अलग मेथड है उसको अपनाना पड़ेगा। आज की क्लास में मैंने क्या क्या टीच किया है कि आईएलटीएस के राइटिंग को कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसे कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बैंड स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आईएलटीएस की राइटिंग की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि सर हमारे पास आइडियाज नहीं है। तो पहले एक बात क्लियर कर दूं, राइटिंग टास्क 2 में आइडियाज का कोई काम नहीं है। सभी के आइडिया होते हैं, सभी के अच्छे होते हैं, हर एक का अपना माइंड होता है, हर एक का अपना कंसेप्ट होता है। ये बात आज बिल्कुल भूल जाओ कि आइडिया के दम पर आपको बैंड स्कोर मिलता है। अगर चाहते हो कि सर बैंड स्कोर आते कैसे हैं, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सबसे पहली बात, आपको जो पूछा है टास्क रिस्पॉन्स उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है, ये मैटर करता है। आपके आईएलटीएस का बॉडी स्ट्रक्चर जो एसे का है वो कैसा है वो मैटर करता है, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है वो मैटर करती है, वोकैबुलरी किस तरीके की आप चेंज कर करके यूज कर रहे हो वो मैटर करती है, और लास्ट पे ग्रामर बहुत मैटर करती है और आपके शेप ऑफ वर्ड्स कैसे हैं वो भी मैटर करते हैं। आज की क्लास में मैंने अपने इंस्टीट्यूट की क्लास में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और बिल्कुल उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक वीडियो को देखने के बाद राइटिंग के बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना एग्जाम क्रैक कर लोगे। सो वीडियो लेंथी जरूर होता है, मगर हर एक वीडियो में नॉलेज जरूर होता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आओ सीखते हैं कि आईएलटीएस की राइटिंग में हम अपने बैंड स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू माय क्लास। सो एवरीवन, आज दी क्लास अपनी राइटिंग टास्क 2 नु लेके आएगी, ते मैं राइटिंग टास्क 2 नु लेके सारे बच्चों दे सब तो पहला कुछ कर डाउट्स ने जेडे वो क्लियर करदा। ये वीडियो मैं तुहानू पढ़ा भी रहा और जिन्ने मेरे को बैठे हो ते मैं अपने YouTube दे उत्ते अपने बच्चों नु उहनां नु भी पढ़ाऊंगा। I'll definitely use 2 or 3 languages. मैं English भी use करूंगा, मैं पंजाबी भी बोलूंगा और मैं try करूंगा कि मैं हिंदी में कुछ कुछ बातें करूं। So अपना जो task है वो सारे बच्चों को understand अच्छे तरीके से हो जाए। सबसे पहली बात, जो लोग सोचते हैं ना कि सर राइटिंग टास्क 2 में confusion है, सबसे पहली बात ideas। बहुत बच्चों की complaint होती है कि सर हमें ना ideas नहीं आते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो राइटिंग टास्क 2 है ये कोई आउट ऑफ टॉपिक नहीं आता। पहला रूल, आउट ऑफ टॉपिक यू पीपल आर नॉट गोइंग टू फेस द राइटिंग टास्क 2। कभी भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं आता, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हर एक पहलू एक राइटिंग टास्क 2 में होता है। जे मैं पंजाबी च गल कर दांगा कि राइटिंग टास्क 2 ए नहीं हैगा कि आपां नूं पता नहीं कित्थों निकल के आजूगा कित्थों नहीं आजूगा, नहीं। सोनी सारे नूं मूव करदा रहे, सारे पिछे बचे ना उन्हां नूं किसे नूं डिसर्ब ना होवे। राइटिंग टास्क 2 दा मतलब बच्चे इह आ कि तुसीं जो मर्जी हर रोज पढ़ोगे राइटिंग टास्क 2 नूं तां तुहानूं इह पता लगूगा, हाँ यार इह टॉपिक मेरी लाइफ नाल इस तरीके नाल जुड़िया होया है, इह टॉपिक मेरी लाइफ नाल इस तरीके नाल जुड़िया होया है। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਕੁਝ ਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਆ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਦੇਅਰ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਟੂ ਵੀਅਰ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਕੁਝ ਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
क्वेश्चन अपना पुत्र शुरू हो गया इथों। देखो मैं तुम्हें एरो देना इतने, दैट्स फाइन। देखो यह अपना इतने का क्वेश्चन है, उस तो बाद अपने तो पूछा की गया, आप जवाब किस चीज का देने का, आप बच्चे जो जवाब देने का। नंबर वन क्वेश्चन अपने को है, वट काइंड ऑफ जॉब रिक्वायर यूनिफॉर्म। सब तो पहला क्वेश्चन यह है, केड़ी काइंड दी जिहड़ियां जॉब्स ने उत्थे यूनिफॉर्म रिक्वायर है। जिवें मैं तुहाडे तों पुछिया सी, बहुत बच्चे ने कहा पुलिस, आर्मी, डॉक्टर। ते डेफिनेटली ना, जे आर्मी ने बंदे ने आर्मी की ड्रेस पाई होगी तो पता लगू भी हाँ ये आर्मी च है। हुण जे डॉक्टर कुर्ता पजामा पा के जा रहा होगा, पता थोड़ी ना कोई भी डॉक्टर है, वह तो होगी वाइट कोट पेंट जां जिहड़ा उन्होंने पाया होगा, स्टेथोस्कोप लग्या होगा, है ना। मतलब कहने का यही है बच्चे कि आपको पता हो ड्रेस तो एक बंदा आइडेंटिफाई हो जाए भी इहदा प्रोफेशन की है। ते दूजा क्वेश्चन अपने तो यही है, वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म एट वर्क। काम के उत्ते यूनिफॉर्म नु पाउणा ओ की इहदा डिसएडवांटेज की है। हुण मैं तुहानूं एसे नु डिजाइन करना सिखाउणा। यह जिहड़ी टाइप है देखो, ना तो है अग्री डिसअग्री, ना है प्रॉब्लम सोल्यूशन, पॉजिटिव नैगेटिव बोथ भी कोई नहीं है। अपने तो नहीं सीधा डायरेक्ट, ना ही एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कला डिसएडवांटेज है। जिदा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उहदा गल होर सी। अज दी जिहड़ी टाइप है अपने कोल, उन्होंने एक लाइन च दसता भी कई ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी ने गियां की करदियां नेगियां, ड्रेस जरूरी करती। पहला क्वेश्चन है किहड़े किहड़े प्रोफेशन दे ड्रेस जरूरी है, दूजा क्वेश्चन हैगा कि काम दे उत्ते ड्रेस नूं पाउण दे की डिसएडवांटेज ने। आपां नूं राइटिंग टास्क 2 नूं लिखणा 40 मिनट अपने कोले हुंदे आ, 40 मिनट। मेरा बच्चा जिहड़ा मेरे को पढ़ के गया ना, मैं उन्हें कहूंगा कि 35 मिनट च लिखणेगा। किन्ने टाइम च? 35। ते 5 मिनट की प्लानिंग होनी चाहिए है। बहुत बच्चे की करते राइटिंग टास्क 2 नूं लिखना शुरू करते हैं, एक आइडिया उन्होंने लिखता, बाद च उन्होंने आइडिया वधिया नहीं लग्या, उन्होंने इरेज करता। दिस इज कॉल्ड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि इन्हां दा टाइम गया, शीट खराब होगी, आइडिया गया, तो फिर दोबारे वो गल बनती नहीं हैगी, सारे नूं पता हैगा। तो मैं सब तो पहली चीज की तुहानूं सिखाउणा प्लैनिंग सिखाउणा कि 5 मिनट अपने एसे की प्लैनिंग किस तरीके नाल करी जाए, ता जो अपना जिहड़ा स्कोर है वह बहुत वधिया आपां हिट करिए। एग्जाम्पल देना, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो बच्चे प्लैनिंग सुनो मेरी, सब तो पहला अपने कोल एक साइड के उ आराम नाल की करोगे, ध्यान नाल देखो आप जो कुछ करना है। लेट मी शो यू, सब तो पहला अपन यह पता है राइटिंग टास्क 2 कंटेन करना अपने 6 बैंड। सोनी विजिबल है? यस, ठीक है। राइटिंग टास्क 2 है जिहड़ा अपने 6 बैंड है जिहड़े वो बच्चे कंटेन कर देगा, ते आपां इस 6 दे विचों किवें 6 लेके आईए, 6 दे विचों किवें 6, क्योंकि राइटिंग टास्क 1 दे 3 ने, ओवरऑल 9 है। टाइप ने जिहड़ियां ने जिन्नियां मर्जी ने, पर एक गल याद रखियो ध्यान नाल मेरी, सब तो मेन इंपॉर्टेंट चीज की हैगी इंट्रोडक्शन। ये सब तो पहली प्लानिंग का हिस्सा इंट्रोडक्शन है, एक गल याद रखियो। मतलब कि कोई भी तुहानू एसे आ गया, जिहड़ी मर्जी टाइप का एसे आ गया, सब तो पहला मेरा बच्चा इंट्रोडक्शन लिखूगा ही लिखूगा, यह कंपलसरी है। ते इंट्रोडक्शन नूं लिखण दे भी 2 तरीके नेगे। सब तो पहला ओल्डेस्ट मैथड यह हुंदा सीगा कि पहला लोग की करे जर्नल लाइन लिखते सीगे, फिर ओदा की करदे सीगे रीफ्रेस करदे सीगे, फिर ओदा की करदे सीगे थीसिस लाइन लिखदे सीगे। सब तो पहला मैं तुहानूं अज इक एसे दी प्लानिंग करनी सिखाऊंगा, तुसीं हर रोज अपना एसे लिखण तो पहला ओवें दी प्लानिंग करके देखियो, ते डेफिनेटली जिहड़ा तुहाडा स्कोर है तुहानूं पता लगू कि स्कोर किवें बूस्ट हुंदा जा रहेगा। इंट्रोडक्शन दे विच चुप करके 2 चीजां नूं ऐड करो, 2 चीजां मतलब कि नंबर 1 रीफ्रेज प्लस थीसिस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਹਾਫ ਬੈਂਡ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਬੈਂਡ, ਹਾਫ ਤੇ ਹਾਫ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5.5 ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਬੋਥ ਵਿਊ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਆਊਟ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ
इंट्रोडक्शन सारे दे विच लिखी जाऊगी, ये रूल हैगा, ये रूल नंबर वन। इंट्रोडक्शन नूं लिखण दे लई दो चीजां दित्तियां ने मैं तुहानूं, एक दित्ता मैंने रीफ्रेज ते दूजा दित्ता मैंने तुहानूं थीसिस लाइन। रीफ्रेज दा मतलब इही हैगा, जो क्वेश्चन मैनूं उरे दित्ता हैगा, गौर नाल देखो, जो मेरे बच्चे आपां आ देख रहे हैंगे, आ सम ऑर्गेनाइजेशन तों लैके वेयर आ यूनिफॉर्म, ये अपना क्वेश्चन है, इस नूं चेंज करके लिखना, इस नूं चेंज करके लिखना इज कॉल्ड अ रीफ्रेज करना। हुण बहुत बच्चे अपनी मर्जी नाल कोई सम दा फ्यू लिख लूगा, ऑर्गेनाइजेशन दा ऑर्गेनाइजेशन बाकी एंड कंपनी नूं फर्म लिख लूगा, है ना, रिक्वायर नूं नीड लिख लूगा। पर मैं बेनती करना, ध्यान नाल सुन लो मेरी गल, जे कोई बच्चा ये सोच रहा ना भी सर एक एक अक्षर नूं नीचे तारूंगा मैं एवें रीफ्रेज करूंगा, गलत नहीं हैगा पर बैंड स्कोर नहीं आउंदे हैगे, गलत नहीं हैगा पर बैंड स्कोर नहीं आउंदे। जे बैंड नहीं आउंदे फिर अहे जे सही तो भी की लेना है, जे बैंड नहीं आउंदे तां सही तो भी की लेना है। करना की है, पूरी लाइन नूं प्रॉपरली नूं अच्छे तरीके नाल पढ़ के अपनी वर्डिंग दे विच उहनूं ट्राई करो चेंज करके लिखना। मैं किवें लिखिया मैं तुहानूं शो करदा, मैं लिखिया मेरे बच्चे बड़ा सॉफ्ट ही लिखिया, देखो ध्यान नाल, मैं क्या इट इज कंसीडर्ड दैट, तुसी कोई भी ऐसे शुरू कर दिया तुसी आ चीज लिख सकते हो भी कंसीडर करया जांदा है, कंसीडर करया जांदा है, मन्या जांदा हैगा, कहदा है मन्या जांदा है। हुण देखो मैं की लिखया, मेनी फर्म्स एंड कंपनीज, मतलब की हो गया कि मैं सिनोनिम की यूज किया, ऑर्गेनाइजेशन नु चेंज करके की लिख लिया मैंने फर्म्स, ते कंपनीज दा मैंने कंपनीज ही पा लिया, वो कोई वरी नहीं हैगा, कोई अपने ते प्रेशर नहीं हैगा, ठीक है। मैं क्या मेनी फर्म्स ते कंपनीज प्रेफर देयर वर्कर्स, पूरे अपने कोले एम्प्लॉइज हैगा, आपा उरे की चेंज करता वर्कर्स, टू वियर आ यूनिफॉर्म ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿਚਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸੇਮ ਬਣੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੀਫਰੇਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਕੋਰ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਰੀਫਰੇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਥੀਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਨਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਸਏ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਲਾ ਫੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਐਸਏ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਏ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੌਬਸ ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੌਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟਸ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਇਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਦੇਊਗਾ ਅੱਧਾ ਬੈਂਡ 0.5। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਹਾਂਜੀ ओके ते दूजे नंबर ते हुण आ जाओ आपां एसए नूं शुरू करन दे लई आपां की करदे हुंदे आ, इह वी दिमाग लाके चलो। हुण प्लानिंग दे विच आपणी आ चीज़ तां हो गई सीगी, आपां पुत्त उड़ी तक आ तां कर लिया रीफ्रेज ते थीसिस कर लिया। हुण आपणे कोले बॉडी 1 बॉडी 2 दा पए ने, बीपी 1 बीपी 2। हुण इहनां च किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां दा ध्यान रख्या जावे कि आपणा बैंड स्कोर उत्ते आवे। देखो नंबर 1 बॉडी 1 ਬਾਡੀ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ,
देखण तो बहुत औखा लगूगा, चुटकियां नाल कराऊंगा, सौखा बना दूंगा। टास्क स्टेटमेंट तो दूजी चीज मैं यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन। थर्ड ते मैं लेके आऊंगा एग्जाम्पल, फोर्थ ते मैं लेके आऊंगा रिजल्ट। इनू इफेक्ट भी कह देने, रिजल्ट भी कह देने। हुण ए चार चीजां, हुण ए भी गल याद रखो ना, ए चार लाइन्स ने गियां, ए चार लाइन्स नू लिखण दे लई चार कनेक्टर दी भी लोड़ पऊगी। टास्क स्टेटमेंट देखण नू बहुत लेंथी लगदा हैगा, पर साफ शब्दां दे विच जे मैं गल करां मेरे बच्चे, कि जो मेरा मेन पॉइंट है, आप कहने यार मेरा बीपी मतलब मेरा मेन पॉइंट यह भी जेडे अदारे ने वो ड्रेसिज पाते हैं, जिम्मे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, यह मेरी मेन लाइन है, जिन्होंने आप पंच लाइन कहने होंगे, वो टास्क स्टेटमेंट है। जो अपने टास्क स्टेटमेंट को दसता, उस तो बाद आप उस टास्क स्टेटमेंट को थोड़ा जा एक्सप्लेन करा, उस टास्क स्टेटमेंट न जुड़ी आप एक एग्जाम्पल देवे, तो उ उपर तीन चीजा लिखिया का जी टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल का लिखे का इन रिजल्ट की निकलता है। इन शॉर्ट के मिनी कंकलूजन भी कह देने आप करा। हूँ पहला मैं थोड़ा पूरा बॉडी वन समझा, जो मैं टास्क स्टेटमेंट फिनिश कर दूंगा मैं देखूंगा भी आ देखो आ फिनिश करती, फिर मैं थोड़ा कहूंगा भी आ देखो मैंने एक्सप्लेन करता, कला कला कनेक्टर समझाऊंगा, फिर पता लगू भी राइटिंग टास्क टू चो साडे बैंड किवें आउणगे। ठीक है, बॉडी वन शुरू करने के लिए बच्चे मैं की किया, ध्यान देखो एसे मैं शुरू कर डिजाइन किया, मैंने मैं क्या टू कॉमेंट्स विद द जॉब्स वेयर यूनिफॉर्म्स आर इसेंशियल, नाल वोकैबुलरी बड़ी वधिया सिखाऊंगा। जे कहना मैं शुरू करदा एवें दी जॉब्स बारे दसना जिथे यूनिफॉर्म इसेंशियल है, इसेंशियल हो गया जरूरी है, ठीक है, जिथे जरूरी है, सच एज जिमें कि पुलिस ऑफिसर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मैं तीन चीजा मैंशन किया कि तीन एवें अदारे ने जिथे यूनिफॉर्म बिना सर नहीं सकता। नंबर एक जो पुलिस फॉर्म, जो पुलिस वाले ने उन्होंने यूनिफॉर्म बड़ी लाजमी है। दूजी गल डॉक्टर्स की है, जो नर्सिज आते हैं अपने उन्होंने अपने गा। तो जो थर्ड नंबर देगा बच्चे दैट इज कॉल्ड जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ये मेरा मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट समझ आने गए जिन्हों आप टास्क स्टेटमेंट कहने, मेरा मेन पॉइंट यह है। पहले जो मैंने एक क्लीयर करता, हूँ इसे मेन पॉइंट मैं की करूंगा एक्सप्लेन। इन एक्सप्लेन करने लिए मेरे बच्चे मैं होर कलर यूज करता, मैं कनैक्टर यूज कनैक्टर यूज किया टू इलेबोरेट इट ते कौमा। कनैक्टर तो बाद कौमा जरूरी पाएगा, यह रूल हैगा। हूँ जो तुम कहो भी सर ये उपर टू कमेंस फिर तो नहीं पाया है, तो रीजन है कि मैं पूरी लाइन में ही बना लिया, मैं टू कमेंस विद तोड़िया नहीं है, मैं लाइन च लै गया, करके मैं कौमा नहीं पाया उत्थे। हूँ देखो टू इलेबोरेट इट, हूँ आप इलेबोरेट करते हैं, मैं क्या बाय वीयरिंग यूनिफॉर्म पीपल नॉट ओनली गैट इडेंटिटी। पहली गल है भी कली यूनिफॉर्म पाने नाल उन्हां नूं कली इडेंटिटी नहीं मिलती हैगी, बट ऑलसो कॉन्फिडेंस, उन्हां नूं एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा विच लीड्स देम टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यार जदों जिहड़े बंदे ने जॉब ते यूनिफॉर्म पाई हुंदी है उन्हें कॉन्फिडेंस तो आंदा ही आंदा हैगा। हुण जिहड़ा कोई मान के चलो कोई SHO है, कोई SSP है, कोई 3-star है ना, तो डेफिनेटली जो तुरेगा उन्होंने अपने अपने कॉन्फिडेंस होगा ना भी मेरे च ड्रेस की है। बंदे तो सारे सेम होंगे पर फर्क तो वो डेजिग्नेशन है ना, वो कहना भी नंबर एक सब तो मेन चीज की है कि वो जी ड्रेस है कॉन्फिडेंस तो दिंदी है, ना वो अपने काम को बड़ा इफेक्टिवली भी करता है, तो नाले एफिशिएंटली बड़ी तेजी भी करता है, ना जी ला के काम करूंगा नाले तेजी काम करूंगा। अलोंग विद पीपल कैन ईजीली रिकोगनाइज दैम इन क्राउडेड प्लेसिज, मतलब क्यों कि इहदे नाल नाल ना लोग उन्हां नूं भीड़ वालियां जगह ते भी लभ सकदे ने। हुण भीड़ वालियां जगह ते मन के चलो किसी बंदे नूं पुलिस दी लोड़ है, अचानक की होया उन्हें देख लिया, ड्रैस तो ही पहचाने जाऊगा, ड्रैस तो ही बंदा पहचाने जाऊ, मन के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वह डॉक्टर नूं लभ रहे ने जिहदे स्टेथोस्कोप पा रखिया होगा वाइट, पता ही लगूगा ना भी हाँ ये डॉक्टर हैगा, या कोई आर्मी मैन जा रहे हो पता लगू भी आर्मी देगा, तो डेफिनेटली भी लोगों नू इन्हां दी पहचान है जिहड़ी वो बहुत चंगे तरीके नाल आउणी शुरू हो जाती हैगी। विच दे कैन गैट हैल्प इन अ कन्वीनियंट वे एज वैल एज ऑन एक्यूरेट टाइम, फिर उन्होंने ना तो टाइम वेस्ट करना पैना भी होर किसी बंदे नू मिलना है। हुण जे हॉस्पिटल दे विच सारे कलरफुल ड्रैस पाई फिरना
फिर बंदा जिन्हों बीमार है वो पूछो भी तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर है, उन डेफिनेटली यार जिदे पाया होगा उन्होंने पता लग जाओ अलग ही चमकूगा भी ये डॉक्टर है। जो थाने के विच आपां भी हाँ थोड़ी पोस्ट की है, थोड़ी पोस्ट की है, थोड़ी पोस्ट की है, तो डेफिनेटली बच्चे जिदे स्टार वध लगे होणगे आपां नूं उहदी पोस्ट भी पता होगी। तो कहने का मतलब क्या कि लोगों को हेल्प लेनी भी सौखी होगी। आपां टास्क स्टेटमेंट च दसता भी आह प्रोफेशन ने एक्सप्लेन करता भी नंबर एक तेरा बंदे कॉन्फिडेंस नाल काम करते हैं, तो दूजी गल है उन्होंने पहचानना बहुत सौखा है, रिकोगनाइज बड़े छेती हो जाते हैं। थर्ड नंबर से आप पावे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आ देखो ये मैं तुम्हें पहला दस ना आप टास्क स्टेटमेंट दसिया है फिर आपको एक्सप्लेन भी दसता हूँ आप दसागे एक एग्जाम्पल हूँ एग्जाम्पल दसने लिए बच्चे मैंने की किया मैं क्या फॉर एग्जाम्पल A survey was conducted by Canadian government. ते एक गल याद रखियो एग्जाम्पल कदे भी लोकल नहीं होनी चाहिए, नैशनल नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल नैशनल हो सकती है, इंटरनेशनल ज्यादा होगी। कोई भी सर्वे मतलब कि देखो दो एग्जाम्पल आपको पाउनिया पैंदियां ने, एक बीपी वन च एक बीपी टू च। बीपी वन की एग्जाम्पल सेम याद रख लो भी फॉर एग्जाम्पल अ सर्वे वॉज कंडक्टड बाय कि द्वारा कंडक्ट कराया गया अकॉर्डिंग टू टॉपिक तुसी देख लोगे। जो मान के चलो कोई क्राइम दे तां सीबीआई दा, कोई हेल्थ दे तां डब्ल्यूएचओ दा, जिहड़ा अपना टॉपिक होगा उही जी अपोच एग्जाम्पल ऐड कर देंगे। हुण कहण दा मतलब की है कि एक कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे करिया इन विच दे फाउंड यूनिफॉर्म एज अ वाइटल पार्ट ऑफ जॉब। उन्होंने देखा भी यूनिफॉर्म ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैगा जॉब दा एंड दे मेड इट कंपलसरी फॉर देयर वर्कर्स। ते उन्होंने अपने वर्कर्स दे लई एक कंपलसरी करता कि यूनिफॉर्म नु पाउणा तां बड़ा लाजमी हैगा। हुण मन के चलो जे कोई कैनेडियन गवर्नमेंट की जगह ते कोई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहिंदा, कोई इंडियन गवर्नमेंट कहिंदा, ओह कहिंदा गलत कर दिंदे, तुसीं इह वी कर दिंदे ना भी एक सर्वे कंडक्ट होया इन 2015 उहदों दी गवर्नमेंट ने एवें करता। कदे भी एग्जाम्पल सच्ची नहीं होंगी हैगी, तो ऐ ना सोचो भी हाए मेरी झूठी एग्जाम्पल है, पर झूठ नूं भी सच करके पेश करना वह भी अपने हाथ च है ना, तो दैट डिपेंड ऑन यू। हुण लास्ट ते अपने कोल एक चीज रहेगी दैट इज कॉल्ड अ इफेक्ट। हुण देखो इफेक्ट किवें लिखा मैंने, मैं क्या डज डज ए यूज किया मैंने, ठीक है, एम्प्लॉइज वेयर इंट्रैक्शन विद पीपल इज very high should wear uniform for offering better services and gentle reputation। मतलब कि अगर जेडे बंदे यूनिफॉर्म पाउंदे है ना वेयर करदे है ना नंबर एक ते उहनां दी इक जेंटल रेपूटेशन भी हुंदी हैगी ते दूजे नंबर ते जेंटल रेपूटेशन दे नाल नाल उह लोकां नूं बहुत वधिया तरीके नाल ने जिहड़ियां सर्विसिज नेगियां उह भी प्रोवाइड करदे ने। हुण आपां पूरे बीपी दे विच इह क्लीयर करता ड्रेसिस कौन पाउंदे आ, एक्सप्लेन भी करता, एग्जाम्पल अपने कैनेडियन गवर्नमेंट बारे भी दसता, तेरा इफेक्ट जां दा रिजल्ट की निकलिया भी जेडे लोग ड्रेसिस पाउंदे आ अपनी सर्विस नूं बहुत वधिया भी दिंदे नेगे ते लोग उहनां तों खुश भी हुंदे ते उहनां नूं बंदे नूं जेंटल रेपूटेशन भी मिलदी है। हुण आपां कोल बीपी टू है, बीपी टू दे विच आपां ने की कहणेगा कि बच्चे ड्रेस नूं कम्म दे उत्ते पाउण दे नुकसान डिसएडवांटेज, अपना इही क्वेश्चन सीगा। क्वेश्चन ऑफिस चो आईफोन का चार्जर लेके सोनी दे रहे इतने करके, ठीक है। क्वेश्चन देखो मैं क्या बीपी टू, बीपी टू चीजा बच्चे ओही चार केड़ियां सी अपने कोले, टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल रिजल्ट। गल सुनो जेडे चार कनेक्टर में ऊपर यूज करे है ना अगले बीपी च वह चारे सेम नहीं यूज करने, चेंज देख लो किवें करेया। मैं कहा further moving towards a disadvantage of a uniform, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ disadvantage ਦੇਖਦੇ ਆ uniform ਦੇ। the first and foremost ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ main ਜਿਹੜਾ disadvantage ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਓ uniform ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, is similar clothing creates monotony in the work environment। monotony ਹੁੰਦੀ ਹੈ boring, bore ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ हर रोज सेम 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 कपड़े पाए जाने एदा की हैगा कि सिंपल तरीके नाल आपां इह कह सकदे हां कि जिहड़ा बंदा रोज ड्रेसिस नूं वेयर करदा हैगा रोज की करदा हैगा ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਸੇਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਾਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਏ ਗੋਡ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਵਾਲ ਨਾ ਬਾਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਗੋਡ ਵਾਹ ਕੇ ਆਈ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਬਨੈਣ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਸ਼ੂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਫੀਲ ਬੋਰਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਵਰਕ, ਜਦੋਂ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਰ ਹੋਣੇ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪਰਫਾਰਮ ਇਨ ਅ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸ ਯੂ ਪੀ ਈ ਆਰ ਆਈ ਆਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਐਨ ਐਫ, ਫਿਰ ਈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ। ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੈਂਟਲ ਕੰਮ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪਰਫਾਰਮ ਇਨ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਜਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੂਵਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਾਏ ਫਲਾਇਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਗਾ ਚੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਪੜਾਓ, ਕੁਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਹਾਈਡ ਦੇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਦੇ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਰਿਸਕ ਇਨ ਸਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਦ ਕਸਟਮਰ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਰੀਬਿਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਪਲੋਈ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰੋਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਫਰੋਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਫਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਐਕਸਪਲੇਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਇਫੈਕਟ, ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਹ ਕਨੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਕਨੈਕਟਰ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਬੀਪੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਅੱਠ ਕਨੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਠ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਜਾਂ 15 ਕਨੈਕਟਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 50 ਕਰ ਲਓ, 100 ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋਗੇ ਕਿਆ? ਜਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਸਲੈਸ਼, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਸਲੈਸ਼, ਟੂ ਐਪੀਟੋਮ, ਸਲੈਸ਼, ਐਵੇਂ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ।
पर बेनती है कि इको चज का पा दियो तो एग्जाम के एक्सपेरीमेंट ना करियो। मेरे को एक बच्चा उसे टास्क वन हर रोज ना लिखा करे द चार्ट प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन, द चार्ट प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन, पता नहीं पेपर चो की एक्टर बन गया, कहना द चार्ट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट से स्पेलिंग गलत लिखा है, हो गया रिप्रेजेंट अगला, ठीक है ना। आप किसी ने इंप्रेस नहीं करना, तो एग्जाम च यह थोड़ी ना होगा भी तू तो रोज उ रमन घंटे में आई लिखता जी आई भी तेरे बैंड नहीं होंगे, उन्होंने की पता तुम उरे की लिखते हो, दो महीने उरे की लिखते हो गया, जो पेपर च लिखोगे फ्रैश है, ठीक है ना। आज एक एग्जाम्पल देखिए की है ना, फॉर इंस्टेंस अ हेडलाइन ऑफ द मॉस्को टाइम्स, एक मॉस्को टाइम न्यूज पेपर है, तुम द ट्रिब्यून भी पा सकते हो, कोई वरी नहीं है, ठीक है। इन 2015 तुम कोई भी ईयर पा सकते हो, कहना revealed that 36% of employees in the USA, 36% USA de jede employees sige left their jobs, unhone apne kaam chhadte due to the lack of variety during work, oh kehne kaam karan ch kick nahi mildi, 36% lokan ne 2015 de vich USA de vich apni naukri chhadti ve assi kaam nahi karde kyunki sanu kaam de utte ki nahi milda hega, kick nahi mildi, variety nahi mildi। hun tusi example ch change ki kar sakde ho, newspaper da naam jehda marzi change kar sakde ho, year koi marzi pa sakde ho, hai na, country jehdi marzi likh sakde ho, percentage jinni marzi likh sakde ho, matlab eh nahi hega koi bachcha 36 likh do koi 45, galat naam di cheez IELTS de vich hai hi nahi, गलत है ही नहीं गा। आपा टास्क स्टेटमेंट देती, आपा इनू एक्सप्लेन करता, आपा इदी एग्जांपल देती, हुणे ना की लेवांगे इफेक्ट, आपा इदे रिजल्ट दे लई की कीता कनेक्टर यूज कीता बच्चे एज आ रिजल्ट, एज आ रिजल्ट बिकॉज ऑफ लेस इंटरेस्ट इन वर्क, जे कहना लेस इंटरेस्ट हो गया वर्क दे विच ड्यू टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म करके पीपल कैन डिमांड कंट्रीज गवर्नमेंट फॉर चेंज, लोगों चाहिए कि अपनी सरकार कहे कि साड़ी ड्रेस है जी चेंज कर दो। तुम गौर करके देखो इंडिया की क्रिकेट की टीम की ड्रेस बदली बदली जाती होंगी है हर बार, कदे केड़ा कलर होया, कदे केड़ा, कदे केड़ा, अजकल मैं कहना डार्क ब्लू जहा चल रहेगा, है ना, पहला स्काई ब्लू जहा, पहले कहे जे कलर होंगे सी, ओपो वीवो सारा कुछ लिखा होंगे, क्योंकि हरेक ड्रेस है उसमें कॉन्फिडेंस होंगे। ऑस्ट्रेलिया की देख लो, पहला येलो होंगी सी, फिर केड़ी होगी, है ना, कहने का मतलब की है पुत्र, हाँ जी सर, वैरायटी, हां वैरायटी की होती है, वैरायटी नहीं, वैरायटी नहीं, और कंपनी नो नहीं कह रहा, लैक ऑफ वैरायटी ड्यूरिंग वर्क, मतलब क्योंकि सुनो काम करने की वैरायटी, कला पूरे वैरायटी का मतलब तरह तरह नहीं हैगा, पूरे वैरायटी का मतलब है आ सेंटेंस को पूरा पढ़ के देखो, कह रहा फॉर इंस्टेंस जे आप एग्जांपल देते हैं, एक हेडलाइन दी अपने न्यूज़पेपर इन्हें दी 30% ने एम्प्लॉय ने की किया यूएसए के विच काम छड़ता देयर जॉब्स ड्यू टू वर्क ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ वैरायटी ड्यूरिंग वर्क, अपने काम च उन्होंने खुशी नहीं मिलती सी करते हुए ता करके उन्होंने काम छड़ता, पूरे वैरायटी का मतलब तरह तरह नहीं हैगा, पूरे हैप्पीनेस है, इंटरनल हैप्पीनेस, सॉरी किस चीज का, जज्बाती भी होंगे ने कहते काम कुम कोई फायदा नहीं, इंटरनल हैप्पीनेस नहीं, असीं नहीं करते हैं, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲਵ ਯੂਅਰ ਜੋਬ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵ ਯੂਅਰ ਜੋਬ, ਲਵ ਯੂਅਰ ਜੋਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲੀਵ ਯੂਅਰ ਜੋਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰਮਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਡ ਬਣਾ ना बना जो क्लास च जाएगा जे तो परफॉर्मेंस ना दे के फिर गए का फायदा नहीं, तू चंगा जाए ना जा लीव कर दे जॉब, जे आ कमरे च खड़े तेन लव कर, उन्होंने लोगों ने अपना काम ता छड़ता सीगा क्योंकि उन्होंने उत्थे खुशी नहीं मिलती सी क्योंकि उन्होंने ड्रेस चेंज नहीं सीगा, बस होर कुछ नहीं हैगा। ये एग्जाम्पल कोई बच्चा होर तरीके नाल भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है कि तुसी मैनू इस चीज़ नू फॉलो करना है, मैं तुहानू एक स्ट्रक्चर समझा रहा, मैं तुहानू एक चीज़ ये क्लीयर करा रहा कि
इंट्रोडक्शन रीफ्रेस से थीसिस लिखना पेगा। बॉडी वन बॉडी टू चाहे चार चार चीजा चाहिए ने, मेन पॉइंट अपना टास्क स्टेटमेंट उन्होंने एक्सप्लेन करा एक एग्जाम्पल देवे फिर रिजल्ट दे देंगे। बीपी टू च भी सेम होजूगा। एक चीज नोट करके देखियो, मेरे को जिने बच्चे राइटिंग पढ़ के जाते हैं उन्होंने 6.5 तो घट नहीं आता राइटिंग च, उत्ते जिन्ना मर्जी आवे 7 जावे 8 जावे मिनिमम राइटिंग दा 6.5 है। ते एक दौर एवें दा सी जदों मैं इंस्टीट्यूट शुरू करिया सी बच्चा दा 5.5 ते 6 रहिंदा सीगा। उहदा रीजन सीगा स्ट्रक्चर, उहदा रीजन सीगा कि बच्चे नूं उस तरीके नाल सी फॉलो नहीं करवाउंदे सीगे। ते यकीन करो अज तो रैकर्ड जाके देखो तुसी इंस्टीट्यूट दा अपने दा ते तुहानूं पता लगू भी राइटिंग चो बैंड स्कोर क्यों आउंदे आ। ते हुण इह वी है ना, जे आपां इह सोचदे वी सर ਇਹਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਪਰਲੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਰਟ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪਾ ਦੋਗੇ ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ डॉक्टर बहुत चंगे ने, पर किसी फैमिली दे किसी बंदे दी कोई जान किसी डॉक्टर करके गई होवे ओदी निगाह तां सारे डॉक्टर बुरे हो गए। हुण जे ओह किसी डॉक्टर नूं देखूगा तां रीबेल करूगा ना, चाहे उहने उहदा नुकसान करिया ना करिया। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰੈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰੈਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਡ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਪੀ 1 ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬੀਪੀ 2 ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਆਲ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜੋਬ ਨੀਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੈਟ ਫੇਰ ਵੀ ਇਟ ਕੈਨ ਅਫੈਕਟ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਨੂੰ। ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਇਟ ਕੈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਰੀਬੈਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਡੀ 1 ਬਾਡੀ 2 ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਿਆ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ? ਰੀਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਥੀਸਿਸ। ਬਾਡੀ 1 'ਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਡੀ 2 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਦੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਪੁੱਤ? ਜੋ ਬੀਪੀ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੀਪੀ 2 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਲਿਖਤਾ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ 1 ਤੇ ਬੀਪੀ 2 ਦਾ ਰੀਫਰੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਬੀਪੀ 1 ਤੇ ਬੀਪੀ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਓ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਨਾ ਕਰੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਪੀ 1 ਨੂੰ, ਬੀਪੀ 1 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਕੌਮਾ ਜਾਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਓ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਐਸੇ ਦਾ ਬੀਪੀ 1 ਐ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਬੀਪੀ 1 ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਦੈਟਸ ਯੂਅਰ ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਬੀਪੀ 1 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਪੀ 2 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਟ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਇਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ
दो पीपी लिखते होंगे मन के चलो अपन एसए आ गया टू वट एक्सटेंडर ग्री डिसग्री कर तीन बीपी लिखने पै गए तीन बार एक्सप्लेन करांगे तो कनेक्टर तो तीन चार पे ने एक तो फिर भी फालतू है आपां क्यों पांच या छे या सत करके आपां अपने टाइम नूं वेस्ट करिए रही गल एग्जाम्पल दी देखो जे चाहे बीपी तीन लिखने पै गए एग्जाम्पल तो फिर भी आपां दो चे पाउने होंने आ ते एग्जाम्पल नूं लई आपणे कहड़े कहड़े कनेक्टर नेगे फॉर एग्जाम्पल टू एपीटोम The for instance, इन्हें तुसी बड़े आराम नाल यूज कर सकते होंगे लास्ट ते रही गल आपां इफेक्ट जा रिजल्ट देना होंगेगा उहदे लई कड़े कड़े कनेक्टर यूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट दस हेंस देयर फोर बस चाह दिना करो उम्मीद करूंगा कि सारे वीडियो पसंद आया होगा जेकर कोई भी कमी पेशी रहेगी तो कमेंट सेक्शन के विच तुसी पुछ सकते हो डेफिनेटली असीं तुहाडी हेल्प करांगे थैंक यू वेरी मच टेक केयर